तो हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग का सीओ का विजिट है, इसलिए हम लोग तैयारी चल रहे हैं। और सर के पास है, हम लोग तैयार हो रहे हैं। समझते लगा देता मुंह पे। अरे हम लास्ट तैयार हो गए। तो अभी हम लोग 1:40 हो रहे हैं और कुछ 2 बजे तक में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम लोग रेडी हो गए सारे, देखते हैं आगे क्या होता है। यस भैया, आएगा। पीयूष ये आरपी है, गेट पे खड़ा रहेगा। या पायलट राइफल ड्रिल है और यहाँ फ्लैग एरिया है।
कहाँ से? इसके नीचे जो है वो प्लाई है क्या? प्लाई है।
अभी ज्यादातर किसी जोड़ी के लिए हम लोगों ने लाइव किया है, ये टोटल ये लोहा टेक्नोलॉजी है। अभी जैसे ये बोर्ड आया हुआ था जो बसेस बन रहा है उसको लड़ने को, तो यहाँ पर आप जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं तो वो बच सकता है क्योंकि हमें तो कैडेट छांटने ट्रेनिंग प्रैक्टिस और ही रहेगा, तो इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन में ये वाला मॉडल बट इसमें जैसे हो गया ये अलावा बोर्ड के लिए उसको हम लोग बाई नहीं, ये सिंगल बोर्ड है, ये भी पूरा सिंगल बोर्ड है, यही चाहिए। कितना बड़ा स्लाइन है आपका, इसका कॉस्टिंग थोड़ा चेक करके बता। और अभी अपने बच्चे कितने आरडीसी वाले हैं जो करेक्ट।
उपस्थित महानुभव एवं कैडेटों से आग्रह है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसी हौसले के साथ महोदय आपके स्वागत के लिए बीडी कॉलेज के कैडेटों के द्वारा एक स्वागत गान प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वागत गान को प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर कैडेट अंगूर कुमार, सुरीली कुमारी, अमृतांशु राज, शिखा कुमारी, तान्या कुमारी, गोलू कुमार, अपूर्वा रानी, कोमल कुमारी, कुमारी सृष्टि, प्रियंका कुमारी, अभिषेक राज, गुड़िया कुमारी एवं कैडेट दिव्या चौधरी को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं सीडीओ सर से आग्रह करूंगा कि वे सीओ सर, सुबेदार मेजर साहब, सुबेदार साहब और बीएचएम सर को महाविद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट करें।
में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उसी क्रम में न्यू इंडिया एट द रेट 25 कैंपेन में हमारे कॉलेज के कैडेटों ने भाग लिया, जो कि भारत सरकार के निर्देश पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना भर के चयनित 104 महाविद्यालयों में अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक HIV एड्स, स्वैच्छिक रक्तदान एवं TB उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता के लिए 3 चरणों में संपन्न हुई, जिसके प्रथम चरण में शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कैडेटों को पुरस्कृत करने के लिए CEO सर एवं प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ। सीनियर रनर ऑफिसर नीरज राज को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय पुरस्कार के लिए साजन सलोनी कुमारी, में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कॉर्पोरल मेघा कुमार। बताते चलें कि इनका वीडियो पूरे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। द्वितीय चरण में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली लांस कॉर्पोरल हीरा मणि कुमारी को आमंत्रित करती हूँ। द्वितीय पुरस्कार के लिए कैडेट अभिषेक कुमार, मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं पूरे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया। न्यू इंडिया एट द रेट 75 कैंपेन के तीसरे और अंतिम चरण में RRC टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें एड्स विषय पर सार्जेंट कुणाल कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय पुरस्कार के लिए सार्जेंट अंजलि कुमारी,
कॉर्पोरल अनुराधा कुमारी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जय हिंद। जय सर। सुनाई नहीं दिया? जय सर। नहीं सुनाई दिया? जय सर। गुड, शाबाश। नींद उड़ गई सबकी? यस सर। अच्छा लगा बीटी कॉलेज आके। काफी समय से प्रोग्राम बना रहा था और जो कैडेट्स का जोश है और जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है, मैं बधाई देता हूँ कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट को, स्पेशली जो हमारे एनसीसी के सरोज सर हैं, राहुल हैं, और प्रिंसिपल साहब से भी मैं मिला था। अच्छा स्टैंडर्ड है आप लोगों का, इसे मेंटेन करके रखिएगा। अब रहा सवाल कि एनसीसी से आपकी क्या आशाएं हैं, क्यों ज्वाइन करी थी एनसीसी, बताएगा कोई? हाँ बोलो बेटा। ओके, और कोई? इंडियन आर्मी। ओके, और? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, वो फौज के अलावा हर फील्ड में लीडर्स होते हैं, ठीक है वो। और कोई? हाँ इंडियन आर्मी। ओके ओके, निडर होना सर। निडर, ओके। डिसिप्लिन एंड यूनिटी, ओके। तो इतनी बातें, हाँ बोलो बेटा। फौज हम लोग कैसे रहते हैं उसे सीखने के लिए। फौज की जो तरीका है, जो रहने का तरीका है, ओके। हाँ सर, सिविलियन लाइफ से ये अलग रहा जाता है बस। सिविलियन लाइफ से कुछ अलग है सर, ये कुछ अलग है। अच्छा है बुरा है? ठीक है, बैठो। तो आप लोगों की जितनी मैंने बातें सुनी उसमें वर्दी का शौक सबको होता है, ये स्वाभाविक है। वर्दी चाहे फौज की हो, पुलिस की हो, बीएसएफ की हो, सीआरपीएफ की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, रैपिड एक्शन फोर्स की हो, किसी भी वर्दी के प्रति एक स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या सब लोग वर्दी पहन सकते हैं? ये गौतम तू भी ये गौतम पर्सनल वीडियो ना डालने के लिए ब्लॉग किसके बनाते हो? ब्लॉग आगे बढ़ने के लिए।